केदार थाना परिसर में हिंदुओं के लोक आस्था का महापर्व रामनवमी एवं रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश भास्कर ने की। शांति समिति की बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दोनों समुदाय के लोग से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा रामनवमी तथा रमजान शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामनवमी और रमजान पर्व में जुलूस जलसा तथा डीजे लगाकर कार्यक्रम करना पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी गतिविधियां भीड़ भाड़ न लगाए, रामनवमी व रमजान पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, मंदिरों एवं मस्जिदों में मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने लोगों को बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लगाई गई है। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि रामनवमी को लेकर मंदिर समिति के लोग मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने दे, 5 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे, यह उनकी जवाबदेही है ताकि क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ न पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ बाहर किसी दूसरे प्रदेश से आए लोगों पर विशेष नजर जनप्रतिनिधि रखें, यह जिम्मेवारी संबंधित मुखिया की होगी। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने व सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस मौके पर थाना प्रभारी संतोष कुमार, कन्हई प्रसाद, विकर्मा सिंह, राम विचार साहू, चनर सिंह, त्रिपुरारी सिंह, डॉक्टर हकीमुद्दीन, मेराजुद्दीन अंसारी, ब्रह्मदेव गुप्ता, पंकज सिंह, छोटन सिंह, धर्मेंद्र गुप्ता, मनोज फौजी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।